तो उम्मीद जिस चीज की थी वो तो नहीं हुई। जिस तरह सीनियर टीम वर्ल्ड कप हारी थी ऑस्ट्रेलिया से फाइनल, उसी तरह अंडर 19 टीम भी आज ऑस्ट्रेलिया से अंडर 19 वर्ल्ड कप फाइनल हार गई है। खैर कोई बात नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि अंडर 19 भारत के लिए एक फीडर पॉइंट है, और सिर्फ भारत के लिए नहीं बाकी मुल्कों के लिए भी, क्योंकि सिस्टमैटिक जिस मुल्क में भी क्रिकेट होगी वहां से लड़के अंडर 19 से आएंगे। इनमें से कुछ ऐसे होंगे जिनको आईपीएल के कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे, कुछ ऐसे होंगे जो अपनी अपनी स्टेट के लिए रणजी ट्रॉफी खेलेंगे, यानी कि रणजी ट्रॉफी है उसकी बहुत ज्यादा आपने तवज्जो उसको दी नहीं, तो उसकी इंपॉर्टेंस भी कम हो गई है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, ये मिसाल आपने तो सुनी होगी, लेकिन दोस्तों ये भारतीय टीम बिल्कुल फिट बैठती है। जैसे इनकी सीनियर टीम बड़ी टीम वर्ल्ड कप फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से मार खा जाती है, वहां पर हार जाती है, वैसे ही आज दोस्तों अंडर 19 वर्ल्ड कप फाइनल में भी इंडिया की टीम ऑस्ट्रेलिया से हार गई है। पाकिस्तान तो सेमीफाइनल से ही बाहर हो गया था, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया फाइनल में पहुंचे हैं, और फाइनल में जाते ही इंडिया की टीम को ऐसा धचका लगा है, इंडिया की टीम खेलना ही भूल गई है। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ने अंडर 19 खेलते हुए 253 रन बनाए थे 7 विकेटों के नुकसान पर, और यहाँ पर इन्होंने 50 ओवर पूरे खेले हैं। इंडिया की जब टीम आती है तो 174 पर ऑल आउट हो जाती है, 43.5 ओवर खेल पाती है, और ऑस्ट्रेलिया जीत जाता है अंडर 19 वर्ल्ड कप 79 रन से। दोस्तों ये तीसरा वर्ल्ड कप है जो वो ऑस्ट्रेलिया लगातार जीत रहा है, और ऑस्ट्रेलिया कैसे जीत रहा है, तीनों में वर्ल्ड कप में इंडिया को फाइनल में पेल कर जीत रहा है। पहला होता है WTC का फाइनल, वहां पर इंडिया आ जाता है ऑस्ट्रेलिया से मारकर वहां पर जीत जाता है। दूसरा आता है वनडे का फाइनल जो इंडिया में हो रहा था, ऑस्ट्रेलिया आता है और मारकर वहां पर चला जाता है। और तीसरा वर्ल्ड कप हो जाता है अंडर 19 का, यहां पर भी इंडिया ऑस्ट्रेलिया आते हैं और ऑस्ट्रेलिया मारकर इंडिया को चला जाता है। इंडिया पिचेस चेंज कर करके फाइनल तक तो पहुंच जाता है, लेकिन वहां पर होता है ऑस्ट्रेलिया, और हमेशा ऑस्ट्रेलिया इंडिया को पेल कर आगे बढ़ जाता है। होता क्या है ना कि जब अंडर 19 के लड़के अच्छा करके आते हैं, अचानक से इन्हीं लड़कों को आईपीएल के कॉन्ट्रैक्ट्स में मिलते हैं। और आपको याद होगा 2 साल पहले जब इंडिया अंडर 19 वर्ल्ड कप जीत कर आया था तो बहुत से खिलाड़ियों को आईपीएल के कॉन्ट्रैक्ट्स भी मिले थे, लेकिन उसे रिविजिट करना बड़ा जरूरी होता है कि वो खिलाड़ी आज क्या कर रहे हैं। उससे पिछली वर्ल्ड कप टीम की बात करें तो उस लॉट से भी देखना होगा कि खिलाड़ी कहां पर खड़े हैं। उससे पीछे जब पृथ्वी शॉ की टीम जीत कर आई थी उस टीम में शुभमन गिल भी थे, तो यह भी देखना होगा कि वो खिलाड़ी कहां है। तो इसलिए आपको ये कोशिश करनी होती है कि अंडर 19 में वो तो अच्छा है कि व्हाइट बॉल की क्रिकेट जो खिलाड़ी अच्छा खेलते हैं, जो इस टीम में थे और वर्ल्ड कप खेल कर आए हैं, उन्हें आगे के लिए रास्ता मिल जाएगा, उन्हें फास्ट ट्रैक किया जाएगा। लेकिन शायद बीसीसीआई के पास अब एक चिंता का विषय भी है, चिंता का सबब है, क्योंकि आपको यह देखना होगा कि व्हाइट बॉल क्रिकेट में तो इंडिया ठीक है, आपके पास अच्छे नीचे लड़के हैं, और आईपीएल क्योंकि इतना बड़ा प्रोडक्ट है, जो अच्छे लड़के हैं वो आईपीएल खेलते हैं, आईपीएल से इंडिया खेल जाते हैं, लेकिन उन लड़कों का क्या जो अंडर 19 इंडिया की टीम में नहीं आ पाते, क्यों? क्योंकि वो रेड बॉल के तो बड़े अच्छे प्लेयर हैं, उन्होंने कूच बिहार में सैकड़ों रन भी लगाए हैं, लेकिन जब सिलेक्टर्स भारत की टीम चुनते हैं वर्ल्ड कप ईयर में, 2-2 साल बाद अंडर 19 वर्ल्ड कप होता है, तो आप जानते ही हैं कि उनको प्रीडोमिनेंटली व्हाइट बॉल प्लेयर्स चाहिए होते हैं, यानी कि 50 ओवर के खिलाड़ी चाहिए जो थोड़ा खड़का के खेले, थोड़ा तेज खेलते हो, फास्ट बॉलर भी चाहिए, लेकिन एक ऐसा गेंदबाज भी चाहिए जो टप्पे पर बॉल डालता हो, जो आके बीच में 10 ओवर डाल जाए। स्पिनर्स आप चाहते हैं कि उस तरह के हो जो थोड़े कंटेन भी करें, लेकिन क्रिकेट अगर आपने चलानी है तो आपको नीचे से खिलाड़ियों को जो बेसिक क्रिकेट होती है, यानी कि जी आपने सारा दिन बैटिंग करनी है, मसलन स्पिनर को आप कहेंगे जी टॉस करो, ऊपर डालो, 6 आउट कैसे करने हैं, 7 आउट कैसे करने हैं, फिर आप फास्ट बॉलर को कहोगे कि क्या आप दिन में आके 3 स्पेल डाल सकते हैं, क्या आप 8 ओवर का, फिर 6 ओवर का, फिर उसके बाद 4 ओवर का, और अगर हिम्मत हो तो 2 ओवर का और स्पेल डाल सकते हैं। लेकिन सिलेक्टर्स जो है अंडर 19 जो भारत की टीम चुनते हैं, उनको टीम वो चुननी होती है जो 50 ओवर की क्रिकेट खेलते हो। मैं बहुत ज्यादा पीछे नहीं जाऊंगा, आप दो लोग जो इस वक्त इंडियन क्रिकेट चला रहे हैं, राहुल द्रविड़ जो मेन टीम के कोच है और वीवीएस लक्ष्मण जो एनसीए के कोच है और अंडर 19 पे उनके अंडर है, इन दोनों का मैं एग्जांपल आपको देता हूं। इन दोनों ने अंडर 19 के जरिए ही भारत की टीम में अपनी जगह बनाई थी, और उस जमाने में होता यह था कि जब विजिटिंग टीम आती थी कोई या इंडिया की टीम बाहर जाती थी तो टेस्ट मैचेस भी होते थे, 3 दिन के 4 दिन के अंडर 19 टेस्ट मैचेस होते थे दोस्तों, और उसमें आपको पता चलता था कि इस प्लेयर में 100 बनाने की एबिलिटी है, ये स्पिन को बड़ा अच्छा खेलता है, ये फास्ट बॉलिंग को बड़ा अच्छा खेलता है, ये रोक के भी खेल सकता है, ये 1.5 दिन भी बैटिंग कर सकता है। तो उसका इम्तिहान आपको अभी इस व्हाइट बॉल क्रिकेट में नहीं पता चलेगा। हाँ, व्हाइट बॉल क्रिकेट क्योंकि आपका वर्ल्ड कप ईयर है, हर 2 साल बाद जैसे मैंने कहा, तो आप उन खिलाड़ियों पर फोकस डालते हैं, टीवी पर मैचेस आते हैं, मीडिया में कवरेज होती है, और अगर इंडिया जीत जाए या फाइनल में आ जाए जिस तरह से इस बार आया, तो अचानक से हमें ये सुनने को मिलता है कि इनको फास्ट ट्रैक किया जाए, इनको आगे डाल दिया जाए। लेकिन 19 साल का लड़का या 20 साल का लड़का जैसे ही ऊपर वाली क्रिकेट में आता है तो हर कोई सक्सेसफुल नहीं होता। सक्सेसफुल आमतौर पर वो लोग होते हैं जो नीचे से कूच बिहार, जो अंडर 19 का भारत में टूर्नामेंट होता है, जिसमें स्पिनर 5-5 विकेटों की हॉल लेकर आया हो, फास्ट बॉलर ने दिन में 20-22-25 ओवर डाले हो, और बैट्समैन वो जो 200-250 बनाकर आया हो, वो लड़के लंबी रेस के घोड़े होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, राहुल द्रविड़ अंडर 19 टीम के कप्तान थे, मैं आपको बात जिस साल की कर रहा हूं वो है 91-92,
न्यूजीलैंड की टीम यहां पर आई थी और राहुल द्रविड़ ने कप्तानी की थी, उन्होंने वहां पर रन बनाए, उसके बाद उनका नाम हुआ। मैं वीवीएस लक्ष्मण का तो बड़ा क्यूरियस केस है, मतलब वीवीएस लक्ष्मण इंडिया की अंडर 19 टीम में सिलेक्ट नहीं हुए थे। वो टीम जो 1992 नवंबर दिसंबर में साउथ अफ्रीका गई थी, उस टीम में वो सिलेक्ट नहीं हुए थे, लेकिन उसके बाद जब उन्होंने कूच बिहार में रन बनाए तो होम एक टीम आई। उसके बाद भारत की टीम अंडर 19 की 93 समर्स में इंग्लैंड जानी थी, लक्ष्मण की उसमें सिलेक्शन हुई और टॉन्टन टेस्ट मैच जो अंडर 19 टेस्ट मैच है उन्होंने 170 ऑर्डर्स बनाए, उसके बाद से देखे उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। तो मुझे लगता है कि बीसीसीआई को आने वाले वक्त में इस बात पर जोर डालना होगा कि आप अंडर 19 जो करवाते हैं, जो इंडिया की टीम चुनी जाती है, वो सिर्फ वर्ल्ड कप ईयर में सिर्फ 50 ओवर की ना हो। मसलन इस साल इंडिया की अंडर 19 टीम बनी है वर्ल्ड कप के लिए, पिछले साल इंडिया की अंडर 19 टीम नहीं बनी थी, ना कोई टूर हुआ ना कोई टीम भारत आई। उससे पिछले साल जब वेस्टइंडीज में भारत जीत कर आया था यश दुल की कप्तानी में, वहां पर आपके इंडिया अंडर 19 की टीम बनी थी। तो ऐसा ना हो कि सिर्फ वर्ल्ड कप अंडर 19 इयर्स में ही आप टीम चुने, आपको टीम चुननी है अभी। ठीक है, ये व्हाइट बॉल है, इसके बाद भारत का प्लान होना चाहिए था। जो लड़के इस साल कूच बिहार में अच्छा कर आए हैं उनका भी एक दौरा होना चाहिए था। आप कोई टीम को घर पे बुलाते या किसी टीम को खेलने भारत बाहर जाता और अंडर 19 के 3 या 4 टेस्ट मैचेस होते तो आपको पता चलता कि लंबी रेस का घोड़ा क्या है। लेकिन बात वही है, स्ट्रक्चर है इंडिया के पास, अंडर 19 लड़कों को शायद फर्स्ट क्लास क्रिकेट मिलेगी, कुछ को आईपीएल के कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे, कुछ जो ऊपर चले जाएंगे वो अगले साल अंडर 23 खेलेंगे। लेकिन इंडिया खेलना ना, इंडिया का बिल्ला लगना, इंडिया का बैच लगना सिर्फ व्हाइट बॉल क्रिकेट पे नहीं होना चाहिए। मेरा ये मानना है कि जब तक आप रेड बॉल क्रिकेट यानी कि 3 दिन 4 दिन की अंडर 19 सीरीज इंडिया वर्सेस कोई और मुल्क उसको तवज्जो नहीं देंगे, नीचे से वो लड़के निकल के आना बड़ा मुश्किल होगा जो एक दिन में 100-200 रन, 225 रन, 250 रन, 150 रन बैटिंग करते हो, स्पिनर वो जो बॉल को ऊपर टॉस करता हो। क्योंकि ये तो साफ है जो इंडिया अंडर 19 खेलता है उसको फास्ट ट्रैक किया जाता है और डोमेस्टिक क्रिकेट में जो अच्छा कर रहे हैं, बल्कि डोमेस्टिक क्रिकेट हो रही है भाई, आप देखें डोमेस्टिक क्रिकेट इस बार लेट शुरू हुई, अब क्या हो गया, एक ट्रेंड बन गया कि आप सैयद मुश्ताक अली 20 ओवर का कराते हैं जो सब खेलते हैं, क्योंकि कुछ खिलाड़ियों को ऑक्शन में जाना होता है, कुछ को अपने फ्रेंचाइजी को बताना होता है कि मैं ठीक हूं। फिर उसके बाद होता है विजय हजारे 50 ओवर, उसमें कुछ खेलते हैं। रणजी ट्रॉफी तो यार ये हाल हो गया है कि जो इंडिया खेल रहा है वो रणजी ट्रॉफी खेलता ही नहीं, बल्कि अब जब फरवरी का महीना आ जाता है तो जिसको हल्का फुल्का निगल होता है वो बैंगलोर एनसीए चला जाता है, प्लेयर वो कहता मुझे नहीं खेलना रणजी ट्रॉफी, अगर हल्का सा और खिंच गया मेरा, मेरी इंजरी बढ़ गई तो भाई मेरा आईपीएल मिस होगा। तो आपको अगर रेड बॉल की क्रिकेट तैयार करनी है, मेरा ये मानना है कि अंडर 19 एक जरिया बन सकता है। जैसे आपने पहले भी देखा बड़े बड़े प्लेयर्स इंडिया अंडर 19 खेल कर आए, उस टाइम पर क्या होता था कि या तो भारत की टीम विदेश जाती थी, विदेशी टीम इधर आती थी, तो 3-3, 4-4 दिन के टेस्ट मैचेस भी होते थे। तो वो मुझे लगता है कि बीसीसीआई को थोड़ा सा रीलुक करना होगा, उसको भी रिविजिट करना होगा। बाकी ये टीम अच्छा खेली है, फाइनल में हार गए कोई बात नहीं, लेकिन आने वाले वक्त में शायद इन खिलाड़ियों के बारे में बहुत कुछ सुना जाएगा। और अगर आपका भी यह मत है कि हाँ इंडिया अंडर 19 की टीम 3 या 4 दिन के टेस्ट मैचेस भी खेले ताकि रेड बॉल क्रिकेटर्स अच्छे आए, तो प्लीज इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब जरूर करें। सुना जाएगा। और अगर आपका भी यह मत है कि हाँ इंडिया अंडर 19 की टीम 3 या 4 दिन के टेस्ट मैचेस भी खेले ताकि रेड बॉल क्रिकेटर्स अच्छे आए, तो प्लीज इस वीडियो को